बच्चों एसएचएम के प्रॉब्लम सीरीज में, एसएचएम प्रॉब्लम सीरीज में हम लोग एसएचएम के टाइप वन जो क्वेश्चन का बनता है, फर्स्ट टाइप एसएचएम में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसका टाइप है इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको एसएचएम का इक्वेशन दिया होगा और वो इक्वेशन एएक्स रिलेशन पे भी हो सकता है, एक्सटी रिलेशन पे भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी रिलेशन पे क्वेश्चन दिया होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि एसएचएम में, एसएचएम किसे कहते हैं, एसएचएम में एक्सेलरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी होता है, और ये एसएचएम का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सी जीरो होता है इफ सी इक्वल टू जीरो देन मीन पोजीशन इज एक्स इक्वल टू जीरो। अगर सी जीरो है तो मीन पोजीशन जीरो होता है, लेकिन एक बात पक्का है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता। अपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का टर्म दिया है तो पक्की बात है कैसे के वन जीरो होगा। पहले ही लाइन में के वन हम लोग बोल दे रहे हैं जीरो होगा, क्योंकि एस एच एम वो बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि परफॉर्मिंग एस एच एम, तो एस एच एम है तो पक्की बात है ये तो जीरो होगा। तो ए की वैल्यू जो आ गया वो आ गया 4 माइनस 2x। तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोग को एक बात और निकालना पड़ेगा, अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करो तो कंपेयर करने के बाद x का जो कोफिशियंट होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है। तो x का कोफिशियंट कितना, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -2 है, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2। ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √2 रेडियन प्रति सेकेंड। अपने को टाइम पीरियड पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, तो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यानी √2 से डिवाइड करोगे तो √2π/सेकेंड। पहला पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट पूछा है फोर्स एट एक्स इक्वल टू, इसको करने से पहले हम मीन पोजीशन बता देते हैं। मीन पोजीशन किसे कहते हैं, मीन पोजीशन वह होता है जहां पे फोर्स जीरो हो। मीन पोजीशन किसे कहते हैं, मीन पोजीशन वो होता है जहां पे फोर्स अपना जीरो होता है। तो मीन पोजीशन के लिए हम लोग फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट यहां पे कर दे रहे हैं। मीन पोजीशन किसे कहते हैं, वेयर एक्सेलरेशन और फोर्स इज जीरो। तो कहाँ जीरो होगा, आप देखो तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन तो सॉल्व हो गया, एक्स इक्वल टू 2 ये भी हो गया, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन निकालने की बात आई तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ तक की बात अगर आपसे पूछता है तो आप लोग बता सकते हो, मीन पोजीशन पूछे, ये सब पूछे। तो ये तो बेसिक यहाँ तक के क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला पार्ट जैसे आपने यानी एसएचएम के बारे में देख लिया, तो एसएचएम के बारे में समझ में आ गया कि ये मीन पोजीशन है। एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.5, मीन पोजीशन अगर एक्स इक्वल टू 2 है तो पक्की बात है एम्पलीट्यूड ए यूनिट इधर ए यूनिट इधर, तो 2.5 मीटर हो जाएगा एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1.5 कम करो, ए यूनिट इधर आओगे तो कम हो जाएगा 1.5 मीटर। आप सबसे पहले तो खुद से ही ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, और देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड आपने कितना निकाला था, π√2। तो ये रहा अपना मीन पोजीशन हो गया, और K1 की वैल्यू जीरो आ चुका था। अब अगले पार्ट में चलते हैं, फोर्स एट एक्स इक्वल टू 2.25, तो 2.25 यहां पे होगा, तो यहां पे फोर्स, तो फोर्स के लिए अपने को एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ए दिया है 4 माइनस 2x। एक्स की जगह फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए, एम 1 दिया है, ए 1 इंटू ए यानी 4 माइनस 2x। एक्स इक्वल टू कितना रखना है 2.25, तो 4 माइनस 2.25 इंटू 2, तो 2 इंटू 2.25 ये बन जाता है 4 माइनस कितना हो जाएगा भाई,
4.5 माइनस का 0.5 न्यूटन। माइनस 0.5 न्यूटन का मतलब होता है कि इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू माइनस, अब माइनस तो साइन इंडिकेट कर ही दिया हूं, 0.5 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू आ गया एफ इक्वल टू माइनस 0.5 न्यूटन। देखो अगर आप माइनस तब लगाओगे जब आप डायरेक्शन नहीं बना रहे हो तो माइनस बताओगे, अगर आप डायरेक्शन भी बना दिए तो डायरेक्शन का मतलब ही माइनस में है, ठीक है ना। अगले पार्ट का ये भी हो गया। अगला पार्ट पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए ओमेगा। ओमेगा आपने निकाल लिया है रूट टू, ए की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 बोले तो 1/2 इंटू रूट टू, 1/√2 मीटर प्रति सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए 0.5 दिया है, ओमेगा स्क्वायर रूट टू दिया है, ओमेगा स्क्वायर मेरे 2 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी आपके लिए ये है। अब अगला पार्ट पूछा है एक्स इक्वल टू 1.5, तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी स्वाभाविक बात है, वेलोसिटी क्या होता है रेस्ट में होता है वी जीरो, इस पार्ट का तो आंसर वी जीरो आ जाएगा, और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 आ रहा है मैक्सिमम, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना आ रहा है 1/√2। ये सारा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये रहा आपका।